हेलो दोस्तों कैसे हो आप मेरा नाम है किसप पवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर सिक्सटीन एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर जहां आज हम क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एन सी यहाँ मैंने दो हाई का इस्तेमाल किया है पहला है येलो हाईलाइटर जिसे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनकी प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन पेपर में आने की वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में सो वक्त गवाए बिना स्टार्ट करते हैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखें एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन, इन, इन रिएक्शन इसमें सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एल डी आइड एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू यील्ड साइनोहाइड्रीन यानी ये एल डी आइड और कीटोन रिएक्ट करेंगे साइनाइड से तो साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन होगा जो कि केटिलाइज होता है विद अ बेस एंड जो भी साइनाइड साइनोहाइड्रीनस होते हैं वो बहुत यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स होते हैं अदर मेनी केमिकल्स में यूज़ आता है रिएक्शंस में यूज़ आता है एज एन इंटरमीडिएट वहीं हम एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एड्स टू एल डी हाइड एंड कीटोन टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट यानी यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एड होगा एडिशन होगा एल डी हाइड और कीटोन से और वहाँ से एडिशन प्रोडक्ट बनेगा देखिए जो भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड होते वाटर सोल्यूबल होता है और दे कैन भी कन्वर्टेड बैक टू और कार्बोनिकल कंपाउंड बाई ट्रीटिंग इट विथ डायल्यूट मिनरल एसिड या एलकॉली यानी डायल्यूट मिनरल एसिड या एलकाली से रिए uh, से रिएक्ट करवा के या ट्रीट करके हम वापस उनको uh, कार्बोनियल कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं ये बहुत यूजफुल होते हैं फॉर द सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ एल डी आइड यानी प्योरीफिकेशन और सेपरेशन ऑफ एल डी आइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहीं अगला आता है एडिशन ऑफ रिगिगनाट रियजन जो हम पहले पढ़ चुके हैं वहीं आगे इसके बाद आता है एडिशन ऑफ एल्कोहल देखिए एल डी हाइड रिएक्ट विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ डाई हाइड्रोजन क्लोराइड टू यी एल्कोक्सी एल्कोहल इंटरमीडिएट यानी ये ए वन इक्विवेलेंट एल डी हाइड जो होता है वो वन इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है आपको मैंने पहले बताया है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसियल जिससे हमें हेमी एसेटल यानी एल्कोक्सी एल्कोहल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन मिलता है वहीं विच फर्दर रिएक्ट विथ वन मोर मोलिक्यूल ऑफ एल्कोहल टू गि विथ जेम एल्कोक्सी एल्कोक्सी कंपाउंड यानी यहाँ पे एक और फर्दर ये बाद में एक एक और एल्कोहल मोलिक्यूल से रिएक्ट करके ये जेम एल्कोक्सी एसिटल जिसको हम एल एसिटल भी कहते हैं वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन uh, होगा कीटोन रिएक्ट विथ इथाइलिन गाइकोल टू फॉर्म इथाइलिन गाइकोल कीटल यानी यही कीटोन इथाइलिन गाइकोल से रिएक्ट करके ड्राई एस के प्रेजेंस में इथाइलिन गाइकोल कीटल फॉर्मेशन हैं जो ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड होती है वो ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेंगे और इसके इसके कारण जो कार्बोन का, कार्बोनिल कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है एंड uh, जिससे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ इथल इथलिन बढ़ जाता है एसिडल एंड कीटोल हाइड्रोलाइज होते हैं एक मिनरल एसिड्स में जिससे वो एल्डिहाइड और कीटोन दे देते हैं यानी वापस जो एसिटॉल और कीटोल फॉर्मेशन हो उनका हाइड्रोलिसिस करके हम एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्मेशन कर सकते हैं अब यही बात आ जाती है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरीवेटिव देखिए जो भी न्यूक्लियाल लाइक न्यूक्लियोफाइल लाइक अमोनिया और उसके डेरिवेटिव एड कार्बोनिल कंपाउंड से या कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डियाड और, और कीटोन से ऐड हो जाते हैं और इनसे अमोनिया डेरीवेटिव का फॉर्मेशन होता है सबसे पहला देखिए कभी यहीं Z देखिए यहाँ पर जेड एल कोई भी जैसे कार्बोनिल ग्रुप एन एस से रिएक्शन करता तो जेड इसमें कोई भी अल्कालिक ग्रुप एराइल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अमीन ग्रुप या कोई भी एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है जैसे सबसे पहले एक अभी जेड एच है हाइड्रोजन है तो रिएजेंट का नाम अमोनिया है अमोनिया कार्बोनिल से से उसे इमीन बनेगा वहीं एल्काइल ग्रुप का भी एलकाइल ग्रुप आर जुड़ा है तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट इमीन सब्सटीट्यूटेड इमीन फॉर्मेशन होगा वहीं हाइड्रोक्सिल ग्रुप का भी कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ता है तो वहाँ ऑक्साइम फॉर्मेशन होगा वहीं अमोनिया अमीन ग्रुप जुड़ेगा तो वहाँ पर हाइड्रोजोन बनेगा एंड फिनाइल हाइड्रोजिन से फिनाइल हाइड्राजोन फॉर्मेशन होगा एंड टू फो डायट्रो हाइड्रोजिन से टू फोर डायनाइट्रो हाइड्रोजोन होगा एंड सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनेगा देखिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रख लीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनने पूछे भी जा चुके हैं और बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है वहीं रिडक्शन की बात कर लीजिए देखिए रिडक्शन टू एल्कोहल की बात करते हैं तो सबसे पहले एल और कीटोन रिड्यूस होते हैं टू प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल रिस्पेक्टिव यानी एल को प्राइमरी एल्कोहल में और कीटोन्स को सेकेंडरी एल्कोहल में रिड्यूस किया जा सकता है बाई सोडियम बोरोहाइड्रेट एन बी एच फोर या एनड एल लिथियम एल्यूमियम हाइड्रेट एल आई एल एच फोर एज वेल एज बाई केटेलिटिक हाइड्रोजनेशन यानी तीन मेथड एन बी एच फोर से एल आई एल एच फोर से और केटेलैटिक हाइड्रोजनेशन के रिएक्शन से हम रिडक्शन ऑफ एल्कोहल से या मतलब एल डी आड और कीटोन का रिडक्शन किया जा सकता है अब वहीं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स की बात कर लीजिए तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल डी आइड और कीटोन रिड्यूस होते हैं टू सी एस टू ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक का यानी यहाँ पे जो कार्ब कीटोन या कार्बोनिक ग्रुप होता है उसको हम हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम उनको जिंक अलमगम से ट्रीट करते हैं एंड यहाँ पर कंसनट्रेटेड एस भी यूज़ होता है और इस रिएक्शन को हम क्लेमेंशन रिएक्शन कहते हैं अदर अनोदर रिएक्शन जिसको विथ हाइड्रोजन फॉलोड बाई हीटिंग विथ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोजन का रिएक्शन हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाई बॉइलिंग पॉइंट और लाइक इथाइलिंग ग्लाइकोल के साथ करवाते हैं तो इस इससे हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन मिलता है और ये रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाता है वही ऑक्सीडेशन की बात करते हैं देखिए एल डी हाइड डिफर फ्रॉम कीटोन इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी एल डी आइड और कीटोन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में डिफरेंट होते हैं एल डी हाइड ऑक्सीडाइज ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोलक्स एसिड में एंड विथ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग लाइक नाइट्रिक एसिड पोटेशियम पर मैगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी ये कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इनके प्रोसेस में एल डी हाइड ईजिलीली कार्बो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं वहीं हम बात करते हैं लाइक like, uh, uh, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए नाइट्रिक ऑसिड और पोटेशियम ये थोड़े स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वहीं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टोलन री एजेंट या फेहलिन री एजेंट ये भी एल को ऑक्सीडाइज़ कर सकते हैं कार्बो में वहीं कीटोन जो होते हैं वो विगरेस कंडीशन बहुत मुश्किल से ऑक्सीडाइज होते हैं एंड यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है लाइक यहाँ पे कीटोन का रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन से करवाया गया जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है जिसे कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है माइल्ड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिवन बिलो आई यूज टू डिस्ट्रिकिंग एल डी आईड एंड कीटोन यानी कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टोलेंस रिएजेंट लाइक टोलेंस टेस्ट या फेलिंग टेस्ट ये यूजफुल होते हैं एल और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए सबसे पहले पहले एल डी हाइड टेस्ट की बात यहाँ टोलन टेस्ट की बात कर लीजिए देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एल को हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जिसको हम टोलन रिएजेंट बात करते हैं उससे रिएक्ट करवाते हैं जिससे सिल्वर मिडल मिररल पॉडीज होता है यहाँ पर एल ऑक्सीडाइज हो जाता है टू कार्बोक्सिलेट आई एन आइन यहाँ कार्बोक्सलेट एन में कन्वर्सन हो जाता है जो और जो रिएक्शन होता है वो एल्कल मीडियम में Uh, यू, होता है सो so, यहाँ पे एल को हम कार्बोक्सिलकेट uh, कार्बोक्सिलेट एन आई एन में कन्वर्ट कर सकते हैं वहीं हम बात कर लेते हैं फेलिंग्स के सॉल्यूशन की, की। देखिए जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है एक्चुअली फेलिंग टेस्ट में फेलिंग सॉल्यूशन होता है जो दो सॉल्यूशन से बनता है पहला है फेलिंग सॉल्यूशन ए जो कि एक्वस कॉपर सल्फेट फेलिंग सोल्यूशन सोल्यूशन बी जो एल्के्केलाइन सोडियम पोटेशियम टाइटरेट से या जिसको रोशस शोर्ट है उससे फॉर्मेशन होता है यह क्या होता है कि जो एल का मतलब यहाँ पे हीट किया जाता है एल को हीट किया जाता है जाता है फेलिन रिएजेंट से जिसे रेड रेडिस ब्राउन पीपीटी ऑप्टेन होता है एल ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलेट एनायन को और यहाँ पे एक खास बात होती है कि जो एरोमेटिक एल है वो फेलिनटोस्ट नहीं देते हैं अब यहीं बात कर लेते देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाई हेलोफोम रिएक्शन यहाँ एल और कीटोन देखिए जो भी एल्डिहाइड कीटोन जिनमें एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है लिंक्ड टू कार्बोनिल कार्बन यानी कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा एक मिठाइल ग्रुप जिन भी कंपाउंड में ये कंडीशन कंप्लीट होगी वो टोलन वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे और इसमें क्या होता है कि जो भी कार्बोनिल कंपाउंड होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है सोडियम हाइपोहोलाइट से सो, सोडियम हाइपोहोलाइट उसको ऑक्सीडाइज़ करता है टू तो सोल्ट ऑफ कार्बो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड यानी जिस भी यहाँ पे कार्बोक्स सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है मतलब सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जिसमें एक कार्बन लेस होता है देन कार्बन कंपाउंड यानी कि मेन कार्बोनिन कंपाउंड में जितने होंगे उतना ही प्रोडक्ट में उससे एक कार्बन कम हो जाता है इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आइडोफम रिएक्शन में क्या होता है कि सोडियम हाइपोहेलाइट यूज़ होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ सी एस थ्री सी ओ ग्रुप यानी यहाँ सी एस थ्री सी ओ ग्रुप का डिटेक्शन भी होगा और यहाँ सी एस थ्री सी ओ ग्रुप जो सी एस ट्री सी एच ओ एच ग्रुप हो उसका भी डिटेक्शन होता है जो फर्दर ऑक्सीडेशन में सी एस टी सी ओ ग्रुप ऑक् फॉर्मेशन करता है अब यहाँ देखिए ये एग्जाम्पल ट्वेल्व पॉइंट फोर ये आप देख लीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे मतलब आपको समझने में आ जाएगा कि कैसे रिएक्शन होते हैं एल डी हाइड के विथ अमीन डेरीवेटिव के साथ वही रिएक्शन हम बात कर लीजिए देखिए रिएक्शन ड्यू टू तो हाँ, अल्फा हाइड्रोजन की बात कर देखिए एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल डी आईड इन कीटोन एल डी एड एंड किटोन द एसिडिटी ऑफ एल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिक ग्रुप एंड रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन ऑफ कंजुगेट बेस यानी जो भी alpha, जो भी कार्बोनिक ग्रुप है उनकी एसिडिटी दो कारण्स होती है पहला उनका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप और दूसरा उनके रेजोनेस स्टेबिलाईशन के कारण इन दोनों के कारण एसिडिटी होती है एल डी एड और किटोन की सबसे पहला आता है एलडोल कंडीशन देखिए जो भी एल डी हाँ और कीटोन होते हैं उनमें एटलीस्ट एक, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की हाइड्रोजन की मैंडेटरी हो जाती है यानी एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडर गो ए रिएक्शन इन विच प्रेजेंस ऑफ डायलूट एल्काली एज अ केटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन रिस्पेक्टिवली दिस इज कॉल्ड एलडीड एल्डोड रिएक्शन अब यहाँ क्या होता है जैसे एल का रिएक्शन हमने डायलूट एल्काली से करवा दिया तो इससे क्या होता है कि एक बीटा जो भी बीटा हाइड्रोक्से एल फॉर्मेशन होगा जिसका हम हाइड्रोलिसिस करवा के एक कीटोन के साथ मतलब एक, एक एल्किन ग्रुप होगा जिससे एल डी होगा जिसको हम एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहते हैं वहीं हम जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कीटोन पहले कीटोल में कन्वर्ट हो कीटोन पहले कीटोल में कन्वर्ट होगा फिर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट में बनोगा देखिए जो भी और कीटोन होता है वो रेडली वाटर को लूज कर सकते हैं जिससे अल्फा अल्फाबीटो अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेशन होता है यानी यहाँ पे जो भी हाइड्रोलिसिस के बाद अल्फा बीटो, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड फॉर्मेशन कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेशन होगा और इन प्रोडक्ट्स को हम एल्डोन और इस प्रोसेस को एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं आगे बढ़ते हैं क्रोस एल्डोल की बात कर ली जाए देखिए वेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डीहाइड एंड और कीटोन इट इज कोल्ड क्रॉस एल्डोल यानी यही बात कभी एल्डोल कंडेंसेशन दो डिफरेंट एल या कीटोन्स में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है यहाँ पे भी देखिए दो डिफरेंट एल ग्रुप को हमने डायरेक्ट एल्काली से रिएक्ट करवाया जहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा देखिए मिनिमम मिनिमम यहाँ पे चार प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है और ज़्यादा भी हो सकता है बट चार तो होंगे ही होंगे कीटोन कैन ऑल्सो भी यूज एज वन कम्पोनेट क्रोसेल्डोल यानी क्रोसल्डो में देखिए एल डी आइड सिर्फ और सिर्फ मतलब एल डी होना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे एल और कीटोन भी क्रोसेल्डोल शो कर सकते हैं जैसे हम बें, बेंजलडियाड का फॉर्मेशन हम एसिड ऑफ इनोन से करवाते हैं तो वहाँ पर भी हम प्रोडक्ट ऑप्टेंट कर सकता है अल्फाबीटा अनसेचूरेटेड एल्डोल कंडसन प्रोडक्ट वहीं आगे बढ़ते हैं अदर रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है कैनिजारो रिएक्शन तो इसमें आता है देखिए एल डी हाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडर गो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन जिसको हम डिस्प्रपोशनेशन कहते हैं रिएक्शन ऑन हीटिंग विद कंसन एल्ली यानी यहाँ पे देखिए जिन भी एल डी हाइड या किटोन सब में तो एल डी हाइड यहाँ अल्फा का हाइड्रोजन होगा नहीं कुछ कुछ ऐसे होते हैं एल डी हाइड ग्रोप जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता उन ग्रुप्स को उन ग्रुप्स में क्या होता है कि कभी हम उनको कंसल्टेटेड एल्काली से ट्रीट करते हैं तो उनमें डिस्प्रपोशनेशन रिएक्शन होता है यानी वहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सल्पनटेनियसली होता है एक साथ तो इसमें एक रिडक्शन प्रोडक्ट बनता है और एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट रिडक्शन प्रोडक्ट कभी कीटोन या एल्डिहाइड का करवा दिया तो उससे एल्कोहल फॉर्मेशन होता और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कोई भी एक सोल्ट बन सकता है या फिर कोई एनाइन बन फॉर्मेशन हो सकता है बेंजलडियाइट का भी हमने कभी कंसनट्रेटेड एच एन या एन से करवाते हैं तो उसमें बेंजल बेंजाइल एल्कोहल और सोडियम बेंजोएट फॉर्मेशन हो जाता है अब यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन की बात कर करें देखिए जो भी एरोमेटिक एलडियाड या एरोमेटिक एटोन होते हैं उनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन होता है एट रिंग रिंग में इन विच कार्बोनिक ग्रुप एक्टेज रिएक्टिवेटिंग देखिए जो भी कार्बोनिक ग्रुप देखिए जिनमें भी जो भी एरोमेटिक एल्डियाड होता है उसमें जो भी कार्बोनिल ग्रुप होता है वो ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप का काम करता है और यहाँ पे उस देखिए यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप का काम करता है और मेटा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का काम करता है जो भी डायरेक्शन होती है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का काम करता है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यूजेज ऑफ एल और किटोन की बात कर लीजिए तो देखिए सबसे पहले फॉर्मेल की बात कर लीजिए तो देखिए फॉर्मेल आ, यूज़ होता है फॉर्मेलिन सॉल्यूशन बनाने में जो कि लगभग फोर्टी परसेंट यहाँ पर, पर फॉर्मेलिन होता है जिससे कि बायोलॉजिकल स्पेसिमेन का प्रिजर्वेशन होता है और यहाँ पर बेकेलाइट देखिए दूसरा काम होता है बेकेलाइट फॉर्मेशन में यानी बेकेलाइट फॉर्मेशन में भी यूज़ होता है इनका फिनोल फॉर्मेलडी रेसिन या यूरिया फॉर्मेलडी एड ग्लूस फॉर्मेशन में भी हम एल डी एड या कीटोन का फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं वहीं जो पेंजलडी आइड होता है वो परफ्यूमरी परफ्यूम्स में या डाई इंडस्ट्रीज की जो डाई होती है डाई इन इंडस्ट्री इन डाई इंडस्ट्रीज़ में उनमें यूज़ हो सकता है आगे बढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लें देखिए कार्बन कंटेनिंग एक कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बन कंटेनिंग कार्बोनिक फंक्शनल ग्रुप यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कार्बोनिक फंक्शन ग्रुप होता है उसमें uh, क्या होता है कि हाइड्रोक्सलिक ग्रुप जुड़ा होता है और उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसमें एक कार्बोनिक ग्रुप होता है जो कि हाइड्रोक्सलिक ग्रुप से अटैच होता है दो तरह के हो सकते हैं एलिफेटिक या एरोमेटिक एंड uh, देखिए यहाँ पे लगभग हाइयर मेंबर्स भी होते हैं उनको फैटी एसिड्स कहते हैं लगभग कार्बन ट्वेल्व से कार्बन एटीन जो भी स्ट्रेट चेन में uh, कार्बोक्सिलिक एक्सोलिक एसिड के कंपाउंड्स होते हैं उनको फैटी एसिड्स कहते हैं नॉमन की बात कर लीजिए देखिए कॉमन नेम एंड होता है विथ इक एसिड लाइक फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम एक्चुअली इनके डिराइव होते हैं इनके नेचुरल सोर्सेज जहाँ से डिराइव होते हैं जैसे फॉर्मिक एसिड जो कि ऑप्टेन होता है रेडेंट से जिनका लेटिन में नाम फोर्मी का एंट वहीं एसिटिक एसिड विनेगर से ही ऑप्टेन होता है विनेगर का नाम यहाँ पर एसिटम होता है जिसका मतलब ग्रीक में विनेगर होता है वहीं ब्यूटायरिक एसिड जो कि यूज जो कि फॉर्म होता है, है रेंसिड में रेंसिड बटर ब्यूटायरम का मतलब होता है बटर वहीं आई की बात कर लीजिए देखिए इसमें क्या होता है कि जो एल्केन का सफिक्स ई e है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है ओइक के एसिड से इन नंबरिंग और वहीं नंबरिंग की बात कर ली जाए तो देखिए जो भी कार्बन चेन होती है कार्बोक्स कार्बोक्सिलिक कार्बन में वो नंबर वन होता है यानी यहाँ से स्टार्टिंग नंबरिंग नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप जो भी कार्बोक्सिलिक कार्बन होता है जो भी कार्बोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है वहीं से स्टार्टिंग होती है वहीं मोर देन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर मे बी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तीन हो तो टाइगार्बोक्सलिक एसिड बोल सकते हैं अब यहाँ पे कुछ uh, कॉमन नेम और आई नेम की बात कर लेते हैं जैसे फॉर्मिक एसिड का मिथेनोइक एसिड बोलते हैं आई में एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड वहीं मेलोनिक एसिड को प्रोपेन प्रोपेन डायोइक एसिड एडिबिक एसिड को हेगैन डायोक एसिड बोला जाता है वहीं बेंजोइक एसिड को बेनजिन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है आयू में आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप का देखिए जो भी कार्बोनिक ग्रुप होता है उसमें कार्बन होता है वो सिंगल पेन में देखिए जो भी सिंगल प्लेन वन प्लेन में लाई करता है और लगभग वन ट्वेंटी डिग्री का यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है कार्बोक्स कार्बोक्सिलिक है, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक बिकॉज ऑफ पॉसिबल रेजोनेंस यानी रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाती है उसके कारण जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल का आ, कार्बन होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाती है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिल एसिड की बात कर लेते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स एंड एल डी हाइड्स प्राइमरी एल्कोहल आर रेडली ऑक्सीडाइज टू कार्बोरिक्स एसिड विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पोटेशियम पर मैगनेट इन न्यूट्रल एसिडिक और एल्कोनाइन मीडियम यानी न्यूट्रल एसिडिक या एसिडिकल्कोनाइन मीडियम में हम एल्कोहल को कार्बोरक्सिल एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं वहीं बाई पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड क्रोमियम ट्राई के प्रेजेंस में भी जैसे जिसको हम जॉन्स रिएजेंट कहते हैं उसके प्रेजेंस में भी हम एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे प्राइमरी एल्कोहल को एल्केलाइन केमेनोफोर्स हैं आर सी -OH में यानी कार्बोऑक्सिल एसिड में वहीं डिकेनोल को डिकनोक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं वहीं कार्बोक्सिल एसिड आर ऑल्सो प्रिपेयर फॉर एल्डिहाइड बाई यूज ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी हम आइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के यूज पे हम एल को भी कार्बोक्सिलिक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हम एल में से ऑप्टेन कर सकते हैं वहीं हम फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स की बात कर लें देखिए एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विग्रस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन एल्काइल बेंजीन के विग्रस ऑक्सीडेशन से भी हम ऑप्टेन कर सकते हैं विथ क्रोमिक एसिड और एसिडिक और एल्कलैनिक पोटेशियम पर यानी क्रोमिक एसिड या एसिडफाइड पोटेशियम पर के प्रेजेंस में हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम एल्काइल भैंसी इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी सेकेंडरी एल्काइल होता है उनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं वहीं जो टर्चरी uh, ग्रुप होता है वो अफेक्टेड नहीं होता है यानी यही बात हो जाती है कि प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप तो अफेक्ट हो जाता है वहीं टर्चरी ग्रुप अफेक्ट नहीं होता है अब यहाँ नाइट्राइल्स की बात कर लेते हैं देखिए नाइट्राइल्स में क्या होता है कि नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज टू अमाइड्स एंड देन टू एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस और ओ एच माइनस कैटलिस्ट यानी यही नाइट्राइल्स की बात कर ली जाए जो कि मतलब नाइट्राइट्स यानी साइनाइड साइनाइड ग्रुप की बात कर ली जाए तो इनको पहले क्या होता है कि हम पहले इनको हाइड्रोलाइज कर लेते हैं टू अमाइड अमाइड में फॉर्म कर लेते हैं और उसके बाद फिर उनका हाइड्रोलिस करवा के कार्बोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं इथेनामाइड्स को भी इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजामाइड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं वही ग्रिगनार रिएजेंट को हम रिएक्शन करवा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से जिससे सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होता है जिसका बाद में हम एसिडिफिकेशन करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने के बाद अगला जो देखिए कन्वर्टिंग एल्कोइल हेलाइड इंटू कारस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग वन कार्बन एटम मोर देन डेट ऑफ प्रेजेंट इन एल्कोइलिकोलाइड अब फ्रॉम एसआईल हेलाइड और एनाइड्राइड की बात कर लीजिए देखिए जो भी एसिड क्लोराइड होता है जब उनका हाइड्रोलि हाइड्रोलाइज किया जाता है वाटर से तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन करते हैं वहीं कभी यही बात एक बेस से करते हैं तो उससे कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्मेशन होता है अब यहीं जैसे एनाइड्राइड्स ऑन अदर हैंड आर हाइड्रोलाइज टू कारस्पोंडिंग एसिड विथ वाटर यानी एनाइड्राइड से हम कारस्पोंडिंग जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे देखिए पहले एसाइड क्लोराइड की बात करें एसिड क्लोराइड की बात करें वाटर से हाइड्रोलाइज किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन वहीं कभी हम बेस से हार कर, हाइड्रोलाइज करते हैं तो इस बात को देखिए यहाँ से कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वहीं एनाइड्राइड की बात कर ले तो इससे भी इनका भी हाइड्रोलाइसिस करके हम बेंजोइक एसिड जैसे बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन कर देते हैं वहीं ईस्टर्स की बात कर लेते हैं देखिए एसिड हाइड्रोसिज ऑफ ईस्टर्स गिव डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड वाइल बेसिक हाइड्रोलिस गिव्स कार्बोक्सिलेट विद एसिडिफिकेशन गिव करस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड यानी देखिए एसिड हाइड्रोलिसिस कभी ईस्टर्स का करते हैं डायरेक्ट तो उसे डायरेक्ट हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और फॉर्मेशन हो जाता है वहीं कभी हम इसका ही बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उनसे क्या होता है कि पहले हमें सोल्ट मिलता है और फिर उसका एसिडिफिकेशन करके हम उस सोल्ट का एसिडिफिकेशन करके हम ब्यूटेनिक एसिड फॉर्मेशन यानी कोई सी भी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन कर सकते हैं जिसे ये रिएक्शन आप देख सकते हैं सो so, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को धन्यवाद